दोस्तों एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड का तो ऑप्शन आपने अपने स्मार्टफोन में देखा ही होगा। ये एक तरह का फीचर है और इस फीचर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इसके आपको क्या क्या फायदे हैं और इसका आप यूज किस तरह कर सकते हैं, ये कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन से मौकों पर आपको ये फायदा दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, 1000 लाइक इस वीडियो पर हम लाइक टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक पूरे हो जाए तो क्या ही बात है। और आपने नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो घंटी का निशान उस पर भी दबा लें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली वीडियोस आपको मिलती रहें। सो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो आपने तकरीबन हर स्मार्टफोन में देखा होगा जो मतलब लेटेस्ट है या पुरानों में भी होता है, मतलब एंड्रॉइड का आपके पास कोई पुराना भी है अगर किटकैट है या उससे भी नीचे वाले मॉडल तो उनमें भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको आईफोन में भी देखने को मिल जाता है। तकरीबन हर एक स्मार्ट डिवाइस में ये फ्लाइट मोड वाला फीचर रखा गया है। अब दोस्तों इस फीचर का आपको फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर वन पर दोस्तों आपको जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता है वो ये है कि अगर आप खुदा न खास्ता कभी चाहते हैं कि आपका जो मतलब वाईफाई है आप वो यूज कर लें और आपकी सिम आपको कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे तो आप एक बार फ्लाइट मोड पे लगाने के बाद वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको आपकी कॉल पे कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी आप चाह रहे हैं, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप मतलब बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अपना काम जारी रख सकते हैं फ्लाइट मोड का इस्तेमाल कर। बाकी मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि आप अपना डाटा कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं फ्लाइट मोड पर डाल के कोड के जरिए, तो वो वीडियो भी आपको नीचे मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालने की, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, मैंने तकरीबन 1-2 महीने पहले बनाई थी। अच्छा इसका दूसरा फायदा यह होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां पर सिग्नल अप डाउन हो रहे हैं, मतलब वैसे तो अगर आपके सेलुलर नेटवर्क फुल है मतलब पूरा आ रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सिग्नल अप डाउन कर रहे हैं मतलब कभी सिग्नल बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं कभी बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, तो उस जगह पर आप किसी गांव में रहते हैं किसी ऐसी जगह पर, वहां पर आपको फ्लाइट मोड में अपने मोबाइल को डाल देना चाहिए। इससे आपकी बैटरी की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और आपकी बैटरी इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती, इतनी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती। तो इसका एक ये भी फायदा और ये काफ़ी बड़ा फायदा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर, क्योंकि बार बार हमारा स्मार्टफोन सर्च करता रहता है सिग्नल्स के लिए, तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने स्मार्टफोन को फ्लाइट मोड में डाल देना चाहिए जब भी जहाँ भी सेलुलर नेटवर्क लो हो, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा फायदा है। अच्छा उसके अलावा इसका एक और जो मेन इसकी वजह है इसको बनाने की, इस फीचर को रखने की, वो है दोस्तों जो लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं मतलब एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं उनके लिए। अब आप लोगों को पता है कि डिफरेंट चीजें हैं जो जहाजों में जो एयरप्लेन्स में यूज होती हैं, सेंसर हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अलावा उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, मतलब एक चीज़ है कि ये रखी गई है कि हमारा जो फ़ोन है वो अगर हम प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो कहीं नीचे से किसी भी मतलब टावर से सिग्नल ना पकड़े और उसे हम अपने स्मार्टफोन को मतलब डाल दें उसमें फ्लाइट मोड में या हम स्विच ऑफ कर दें। आप में से अगर कोई ट्रैवल किया होगा, किसने, मैंने एक बार किया है जहाज़ में, तो उसे पता ही होगा कि मतलब उस वक्त हम 2 बार अनाउंसमेंट होती है या बार बार अनाउंसमेंट होती है कि यार अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दें या फिर फ्लाइट मोड पे डाल दें। तो ये भी यार मतलब एक अच्छा फीचर है इसका कि आप फ्लाइट मोड, हाँ ये जरूर है जहाज कभी क्रैश नहीं होगा बट एक सेफ्टी मेजर रखा गया है मतलब आप सेफ्टी के लिए ये, और इसको आपको लाजमी फॉलो करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।